दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है साइन बार। इसके पहले मैंने सरफेस प्लेट, बी ब्लॉक, वर्नियर हाइट गेज, उसके बाद वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इन सारों की वीडियो अपलोड किए। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी ये जो चल रहा है ये क्या है, एंगुलर मेजरमेंट का पार्ट है। एंगुलर मेजरमेंट में अलग अलग टाइप के 5-6 इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्या कर सकते हो, यूज़ करके आप एंगल मेजर कर सकते हो। जैसे वो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है, ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर है, स्पिरिट लेवल है, साइन बार है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो आप एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपका साइन बार है। साइन बार का जो ऊपर का सरफेस है इसको आप अपर सरफेस बोलते हो। ये जो प्लेट है ये प्लेट किस लिए है कि अगर आपका कोई जॉब है, कंसिडर करो ये मेरा एक एंगल में जॉब है, इसका मुझे एंगल मेजर करना है। तो जब मैं ये फेस पे रखूँगा फिर ये एंगल में सेट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये नीचे ऐसे गिर न जाए, इसलिए मैंने क्या किया है एक यहाँ पे एंड फेस में एक प्लेट लगाए वाला है। फिर ये अपर सरफेस, ये दोनों क्या है साइड फेसेस है इसके। ये जो देख रहा है आपको ये क्या है, इसके रोलर से, ये दो एंड में जो है वो रोलर से। फिर इसका जो मटेरियल होता है ये क्या होता है, हाई कार्बन हाई क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील होता है। इसके जो ऊपर का जो सरफेस है, जो वर्किंग फेस है और जो रोलर से है, ये क्या है 0.2 RA, मतलब सरफेस फिनिश उसकी कितनी होती है 0.2 RA रहती है। अपर सरफेस परफेक्टली लैप्ड है, सिलेंडर भी परफेक्टली लैप्ड है। उसके बाद ये जो तीन होल्स दिख रहे हैं आपके, ये तीन होल्स किस लिए है, वेट रिडक्शन के लिए। साइमल्टेनियसली क्या है, आपको अगर इसको होल्ड करना है तो आप इसको ऐसे होल्ड भी कर सकते हो। फिर इसके बिल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए कि जैसे अभी ये जो रोलर्स है, ये दोनों रोलर्स क्या होने चाहिए, परफेक्टली सिलेंडर होने चाहिए, मतलब इनका डायमीटर थ्रू आउट द लेंथ सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो सेंटर है, ये रोलर का सेंटर और ये रोलर का सेंटर का डिस्टेंस दोनों साइड, मतलब ये साइड और ये साइड, दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी ये जो साइन बार्स है ये कौन कौन से साइज़ में अवेलेबल होते हैं, ये सेंटर डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। इसका सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 100, 200 या 300। ऐसे तीन ही टाइप के आपको साइन बार आपके मार्केट में आपको मिलेंगे। आप अगर 150 का साइन बार दो mm का तो आपको नहीं मिलेगा। और साइन बार डेजिग्नेट कैसे होता है, जैसे आपकी बाइक CC पे डेजिग्नेट होती है तो सेम साइन बार आपकी लेंथ के ऊपर डेजिग्नेट होता है। मतलब ये जो दो सेंटर की लेंथ रहेगी 100, 200 या 300 उसके ऊपर वो डिपेंड है। अभी इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, आप इसके जिसके पहले मैंने भी वीडियो में बताया था स्लिप गेज के, इसका खाली सिंगल यूज़ करके आप किसी भी जॉब का एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इसके साथ आपको क्या करना पड़ता है कि स्लिप गेज, डायल इंडिकेटर, डायल स्टैंड, ये इन तीन चार चीज़ों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, किसी अननोन जॉब का क्या कर सकते हो, एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। अभी इसमें क्या है कि साइन बार का मेन वर्किंग प्रिंसिपल या प्रिंसिपल क्या है इसका वर्किंग का, ये क्या है, लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल। अभी साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल क्या होता है वो बताता हूँ। एल जैसे मैंने बताया आपको कि एल क्या होता है कि ये दो जो सेंटर है, ये जो दो सेंटर है, दो सेंटर के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका एल रहेगा। अभी ये जॉब का एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे यहाँ पे रखा है और फिर मैंने ये जो स्लिप गेज है, ये स्लिप गेज इसके नीचे ऐसे रखी है। तो आपको मेजरमेंट करते टाइम क्या याद रखना है कि ये जो रोलर है ये सरफेस प्लेट पे होना चाहिए और ये जो सेकंड रोलर है वो क्या होना चाहिए, आपके स्लिप गेज पे होना चाहिए। अभी क्या हुआ, ये जो सेंटर डिस्टेंस है ये क्या हो गया, एल हो गया और ये स्लिप गेज की हाइट कितनी हो गई, एच हो गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल क्या करना पड़ेगा आपको, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एच अपॉन एल करके आपको क्या मिल सकता है, एंगल मिल सकता है। मतलब दस द एंगल टू बी मेजर्ड और टू बी सेट इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट मेथड एज ए फंक्शन ऑफ साइन, फॉर दिस रीजन द डिवाइस इज कॉल्ड एज साइन बार। अभी इसका अगर किसी जॉब का आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका एक आपको प्रैक्टिकल करके मैं बता देता हूँ कि एक आधे जॉब का, अननोन जॉब का एंगल कैसे आपको एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है। इसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, कंसिडर करो ये मेरा जॉब है, इसका मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका पहले क्या करूँगा, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर से मैं क्या करूँगा, इसका एंगल फाइंड आउट करूँगा। एंगल फाइंड आउट होने के बाद अभी मेरी टर्म क्या थी, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल थी। तो मुझे एंगल मिल गया, मतलब थीटा मिल गया मुझको।
अभी एल भी मुझे नोन है, इसका एल कंसिडर करो मेरा 100 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल में क्या हो गया, एल मालूम हो गया, थीटा मालूम हो गया, अभी एच खाली आपको अननोन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला का यूज़ करके आपको एच निकालो, एच निकालने के बाद जो एच आपका आएगा वो क्या करना है आपको, जो स्लिप गेजेस रहते हैं, स्लिप गेज का जो बॉक्स रहता है उसमें क्या करना है आपको, रिंगिंग करके वो हाइट फॉर्म करनी है, और वो हाइट क्या करना है आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे इसके नीचे रखना है, फिर वो जॉब आपको ऐसे रखना है, यहाँ पे रखने के बाद आपका जो डायल इंडिकेटर रहेगा वो क्या करना है, ऐसे यहाँ पे मूव करना है, वो प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। देखिए देख सकते हो मुझे ये जॉब का क्या करना है, एंगल फाइंड करना है कि बाय यूज ऑफ साइन बार से, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, इसका जो एंगल है वो मैं बेवल प्रोटेक्टर से फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं पहले कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी है। तो इसका एंगल अभी मैंने ये स्लिप क्यों रखी है यहाँ पे, क्योंकि खाली इसका जो एडजस्टमेंट के लिए रखी है, इसका कुछ ऐसे यूज़ नहीं है। मैंने इसका रखा है यहाँ पे, तो इसका एंगल कितना आया है, 9 degrees एंगल है इसका, लेकिन मुझे यहाँ पे इसका एंगल ज़्यादा दिखा रहा है, ये इसका एंगल यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ये मुझे 13 degrees दिखा रहा है। तो 13 degrees के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी साइन थीटा इज इक्वल टू 13 degrees इज इक्वल टू एच अपॉन एल लिखो, एल कितना है इसका, एल 100 कंसिडर करो, इसका एल 100 एल, फिर एच अननोन है आपका, तो एच निकाल लो, कंसिडर करो मैंने एच इसका कुछ तो एक्स वैल्यू निकाला है, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, ये जो स्लिप गेज का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे मैंने ऐसा रखा है इसको। फिर आपको क्या करना है, ये साइन बार नीचे गिर न जाए इसके लिए आपको क्या करना है, इसको मैग्नेटिक वी ब्लॉक से इसको अटैच करना है। फिर ये जो रोलर है ऊपर का रोलर, इसको क्या करना है, ऐसे इसको ऐसे बराबर से इसको ऐसे टच करना है, दोनों रोलर क्या होने चाहिए, ये जो रोलर है ये रोलर यहाँ पे टच होना चाहिए और ये ऊपर का वाला रोलर यहाँ पे टच होना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो जॉब है ये इसको यहाँ पे ऐसे रख दो। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, अभी ये जो आपका डायल स्टैंड है, ये डायल स्टैंड क्या करना है आपको, इसके फेस के ऊपर, ये जो ऊपर का इसका अपर सरफेस है, अभी क्या होता है कि ये जो स्लिप रखी है, ये स्लिप अगर मैंने एकदम परफेक्ट मैंने अगर बेवल प्रोटेक्टर से परफेक्ट एंगल निकाला है, तो ये क्या होता है, ये बॉटम सरफेस और ये जो सरफेस है ये क्या होता है, परफेक्टली फ्लैट होता है। फिर ये अगर मैं डायल इंडिकेटर यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये क्या होगा, कुछ भी मुझे इंडिकेशन नहीं देगा। अभी देखो मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ किसी प्रेशर पे, एक फिक्स प्रेशर पे क्या कर लेता हूँ, मैं सेट करता हूँ, मैंने इसको सेट किया, तो अभी मुझे क्या करना है, इसको ऐसे इसको रोटेट करना है, ऐसे ऐसे आप देख सकते हो इसका ये जो पोर्शन है ये नीचे है और ये ऊपर है, तो मुझे अभी इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो स्लिप है एक एक निकाल के या ऐड करके मुझे इसका ऊपर का जो सरफेस है ये सरफेस से फ्लैट करना है। वापस से आपको क्या, वापस वही हो रहा है, ये सरफेस नीचे है, ये सरफेस ऊपर है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, वापस एक स्लिप गेज निकाल लेता हूँ इसकी, इसको ठीक, फिर अभी देखेंगे इसको क्या होता है ये। इसको ऐसे आपको रोटेट करना है, लेकिन जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होना चाहिए, ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि ये सरफेस बॉटम सरफेस और ये सरफेस परफेक्टली मैच हो गया है। लेकिन अभी देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, आपको कंटिन्यूसली स्लिप का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना पड़ रहा है, तो इसके जगह पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि ओवर द डिस्टेंस, ये जो जॉब का डिस्टेंस है इसको एक्स कंसिडर करके आप इसके जो वेरिएशन आ रहा है उसको इन टर्म्स ऑफ एंगल में कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हो, इसका एंगल निकाल के आपका जो ये हाइट है उसके हिसाब से आप इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग ये। अभी पूरा जो सेटअप हुआ मैं प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी में भी कवर कर लूँगा,
लेकिन ये ऐसा सेटअप है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये ज़ीरो मूवमेंट करने के लिए आपको इसमें कंटिन्यूसली एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। ऐसा ये प्रैक्टिकल था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।